इंडिया एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube फैमिली मैजिकल एजुकेशन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों एक हिंदी, जो कि मैं एक पूरी सीरीज लेके आया हूँ हिंदी पर। आपका आरओ का एग्जाम होने वाला है दोस्तों यूपीपीएससी में, 8 अप्रैल को एग्जाम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हिंदी का एक पूरा एक सीरीज एक कोर्स दे दिया जाए आपको, क्रैश कोर्स टाइप, जिसमें आपको आरओ से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चंस और उसके इक्विवेलेंट जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे गए सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन। तो दोस्तों अभी तक आपने इसमें विलोम शब्दों पे एक दो लेसन देखा होगा, और मेरे जनरल साइंस के अलग से हिस्ट्री और ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स के लेसन आ ही रहे हैं, उनको भी देखते रहिए आप। यहाँ पे हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सबसे पहले मैं आपको वापस याद दिलाना चाहूंगा, मैंने आरओ का सिलेबस डिस्कस किया था आपको, तो 6 टॉपिक आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, प्री के एग्जाम में, ठीक है। और जिसमें से आपका विलोम था, अनेक शब्दों का एक शब्द था, पर्यायवाची था, आप वो देख लीजिएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको न्यूज वाले वीडियो में, न्यूज वाला जो फोल्डर है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा था, सर लिंक नहीं मिलती आपको, वीडियो की लिंक नहीं देते हो। तो भाई मैं यहाँ पे आपको बता दूँ क्लियरली एकदम, कि मैं बार बार कहता हूँ कि मैं वीडियो की लिंक नीचे नहीं लिखता, मैंने सब्जेक्ट की लिंक लिख रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए सब्जेक्ट की लिंक है, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए और आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे उसके, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अनेक शब्दों का एक शब्द पढ़ने वाले हैं, ये है चैप्टर नंबर फर्स्ट, और ऐसे ही आगे भी आपको लेसन मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे अनेक शब्दों का एक शब्द का क्या मतलब होता है, कि एक बड़ी सी बात और उसको एक शब्द में कहा जाए, ठीक है। तो जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ उसको कहते हैं दोस्तों अजात शत्रु, मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सब, यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही नीचे मेंशन किया हुआ मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक। तो एक बार मैंने बता दिया, बाकी में आप अपने से ध्यान दे लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अपना यूट्यूब का बटन तोड़ डालिए और फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपना घंटा भी जरूर जोर से बजाइएगा, क्योंकि जब आप घंटा को अपने तोड़ोगे तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाया करेंगे। और वीडियो में अगर कुछ भी आपको नॉलेजेबल लगता है, अच्छा लगता है, तो अपनी उंगली तोड़ करके हमें लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए तोड़ फोड़ मचाइए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अपना मंतव्य साधने वाला, मंतव्य मतलब अपने मन का करने वाला, तो अपना मंतव्य साधने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, स्वार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वार्थी। स्वार्थी कौन होता है? वो जो कि केवल अपना स्वार्थ देखे, जो कि केवल अपना फायदा देखे, अपना मंतव्य साधने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका उच्चारण न किया गया हो, जिसका कभी प्रोनंसिएशन न किया गया, उच्चारण न किया गया हो, उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्चरित। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। जिसका उच्चारण कभी ना किया जाए उसको क्या कहते हैं? अनुच्चरित। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। दोस्तों युद्ध की इच्छा रखने वाले को कहते हैं युयुत्सु। क्या कहते हैं? युयुत्सु, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो उसको युद्ध की इच्छा हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? युयुत्सु, ठीक है। जो युद्ध करता है उसको योद्धा कहते हैं, ठीक। और जो युद्ध में लिप्त रहता है उसको युद्धरत कहते हैं, ठीक है। और युद्ध में जो भी लड़ते हैं, जो कि वीर होते हैं, साहसी इंसानों को, वो तो युद्ध वीर कहते हैं। मेन यहाँ पे आप कहते हैं योद्धा। योद्धा मतलब कौन, क्या होता है? जो युद्ध में लड़ता हो और जो युद्ध में लिप्त रहता है, हमेशा कंटिन्यू लगा रहता है, उसको युद्धरत कहते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो उसको क्या कहेंगे? युयुत्सु कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि तैरने या पार होने का इच्छुक, मतलब कि नदी को तैरने या उस नदी को पार करने का जो इच्छुक होता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका तितिरसु। क्या कहते हैं? तितिरसु। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, जो तैर कर पार करने वाला होता है ना उसको कहते हैं तैराक, ठीक। यहाँ पे देखिए इच्छा रखने वाले की बात हो रही है, तैरना या पार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तितिरसु। लेकिन जो तैर कर पार करता है उसको क्या कहते हैं? तैराक कहते हैं, ठीक है। और तैर कर पार कराने वाले को क्या कहते हैं? तारक कहते हैं। जो इंसान तैर के खुद पार करे उसको क्या कहेंगे? तैराक। और जो इंसान किसी दूसरे को तैर के पार कराए, जो पार कराता है उसको क्या कहते हैं? तारक कहते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं दोस्तों विस्थापित। जैसे कोई वस्तु है उसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया जाए, अपनी जगह से अलग कर दिया जाए,
हम कह सकते हैं कि वस्तु को यहाँ से यहाँ विस्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका, विस्थापित, ये ऑप्शन सही है। संस्थापित का मतलब होता है जो उसको निर्मित किया हुआ या बैठाया हुआ। ठीक है, तो संस्थापित यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा, संस्थापित का मतलब होता है निर्मित किया हुआ। अक्सर क्या होता है कि हम लोग गलत आंसर चूज कर लेते हैं, इसीलिए मैं आपको जो भी पॉसिबल होता है एक दो ऑप्शन पे भी डिस्कस कर देता हूँ हमेशा। ठीक है, संस्थापित मतलब ये कब संस्थापित हुआ, कब व्यवस्थित किया गया, या इसका निर्माण कब हुआ, इसको बसाया कब गया, या फिर इसको बैठाया कब गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा इसको क्या कहते हैं, किसके लिए बुरे उद्देश्य से की गई। तो सही आंसर है दोस्तों आपका सी ऑप्शन, दुर्भि संधि। ठीक है, मतलब बुरे उद्देश्य की गई गुप्त मंत्रणा को क्या कहते हैं, दुर्भि संधि। अब देखिए, किसी को संकट में डालने के लिए जो योजना बनाई जाती है, या फिर किसी को हानि पहुंचाने के लिए जो गुप्त रूप से कार्रवाई होती है, उसको दुर्भियोजन कहते हैं। यहाँ जो डी ऑप्शन है आपका, ये क्या है, दुर्भियोजन। ये क्या होता है कि किसी को संकट में डालने के लिए बनाई गई योजना, या फिर किसी को हानि पहुंचाने के लिए, किसी को नुकसान कर पहुंचाने के लिए जो गुप्त रूप से कार्रवाई की जाती है, उसको क्या कहते हैं, दुर्भियोजन। ठीक है, जिसका या फिर जिसे पार पाना बहुत मुश्किल हो, जिसको पार पाना, जिसको समझना, जिसे जिसे जीत जाना, जीत जाना तो यहाँ पे सही नहीं होगा, आप ऐसे समझ, जिसको पार पाना बहुत मुश्किल है, जिससे ऐसे कहो तर्क शक्ति अगर लगाया जाए वहाँ पे, तो उससे पार पाना बहुत मुश्किल, जिससे बहस करना बहुत मुश्किल हो, उसको कहते हैं द्युतिक्रम। ठीक है, ये जो ए ऑप्शन है आपका, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, द्युतिक्रम किसको कहते हैं, जिससे पार पाना बहुत मुश्किल हो। ठीक, और जिसके पार पहुंचना बहुत कठिन हो, उसको क्या कहते हैं, दुर्धिगम, जिसके पार पहुंचना बहुत कठिन, जैसे समुद्र है, समुद्र के पार पहुंचना कठिन होता है, तो समुद्र को क्या कहेंगे, दुर्धिगम कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, फिलहाल यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर था, दुर्भि संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सवाल जवाब, बहस हुज्जत, या दिए गए उत्तर के पर उत्तर, इसके लिए क्या, मतलब क्या, हम देखिए यहाँ पे आपसे हो सकता है कि एग्जाम में केवल सवाल जवाब पूछ ले, या हो सकता है बहुत हुज्जत पूछ ले, या फिर दिए गए उत्तर पर उत्तर, जो उत्तर दिया गया उस पर भी उत्तर दे दे रहा। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, सबके लिए एक ही शब्द बनाया गया है, क्या शब्द बनाया है दोस्तों, प्रत्युत्तर। क्या बनाया है, सी ऑप्शन है आपका, प्रत्युत्तर। ठीक है, तो और कुछ चीज और जान लीजिए इसमें, वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की हो, वो व्यक्ति जिसने उत्तर की अपेक्षा की, उसको क्या कहते हैं, उत्तरापेक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरापेक्षी। ठीक है, और पार उतरने की क्रिया वो क्या कहलाता है, उत्तरण। पार उतरने की क्रिया का क्या कहलाता है, मतलब किसी चीज के पार उतरने जाने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्तरण कहलाती है। ठीक है, और एक के पीछे एक क्रम, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति ये है, और उसके पीछे एक व्यक्ति ये है, फिर उसके पीछे एक व्यक्ति ये है, तो एक के पीछे एक का क्रम जो लगाया हो, उसको क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर कहते हैं। ठीक है, एक के पीछे एक क्रम को क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आता है कि ये जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से आपका प्रत्युत्तर यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वो कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों वागदत्ता। क्या कहते हैं, वागदत्ता, मतलब कह लो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अब चलिए और भी चीजें समझ लेते हैं, कन्या का विवाह कर देने की वचन देने की जो रस्म होती है, फिर से सुनिए, कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की, मतलब कि हम कन्या की विवाह करेंगे, इस बात का वचन, वचन मतलब कसम देना या अपना जवान देना, इसकी देने की जो रस्म होती है उसको वागदान कहते हैं। ठीक, इस रस्म को वागदान कहते हैं। ठीक है, और मौन या वचनबद्ध, तो उसको क्या कहेंगे, वाग्बद्ध, मौन धारण कर लेना या फिर वचनबद्ध कर देना, इसको वाग्बद्ध कहेंगे। वाक् चतुर, जो बातों से चतुराई दिखाए, उसको क्या कहते हैं, वाग्विदग्ध। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदिरा पीने का प्याला, मदिरा पीने के प्याला को क्या कहते हैं, तो सही आंसर है दोस्तों आपका डी, चषक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सरकोर वाला स होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मदिरा पीने वाले के जो प्याला होता है जिसमें मदिरा पीते हैं, मदिरा मतलब वो पता है ना, शराब। ठीक है, एल्कोहल, तो मदिरा पीने वाला जो प्याला होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, चषक कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन जैसे ही गलत हो गया, और चस्क भी, चस्क मतलब चस्क लग जाना, चस्का अगर कहिए तो ठीक है, वैसे चस्क तो नहीं बनता कुछ है, चस्का कहिए किसी चीज़ का चस्का लग जाना, और चश्म तो दोस्तों आँख को कहते हैं, नेत्र को चश्म कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्त्री के वशीभूत हो, वशीभूत होना मतलब उसके अंडर में होना, उसके कंट्रोल में होना, जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्त्रैण। जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहेंगे? स्त्रैण कहेंगे। ठीक है, स्त्रैण का अर्थ होता है दोस्तों जनखा कह लीजिए या जनाना कह लीजिए, मेहरा कह लीजिए, स्त्रीत्वपूर्ण कह लीजिए, मतलब कुछ भी जो कि आम भाषा में भी कहा जाता है। तो अब जैसे कि होता नहीं है कि हम लोग अक्सर गांव में सुने होंगे कि ये मेहरा हो गया है, कहते हैं ना, तो कहने का मतलब कि ये अब एक स्त्री के वश में हो गया है, वो पुरुष को कहा जाता है अक्सर। तो स्त्रैण का यही मतलब है, जो स्त्री के वश में हो जाए, उसके वशीभूत हो जाए। ठीक, और कुछ चीज और भी जान लेते हैं कि जो त्रियावसी शब्द है, त्रियावसी, ये जो चौथा ऑप्शन है आपका, त्रियावसी से भी स्त्री का के वशीभूत होने का ही मतलब निकलता है। ठीक, मतलब यहाँ पे आपको स्त्रैण तो एग्जैक्ट वर्ड है, लेकिन त्रियावसी अगर दिया है तो इस तरीके से ये नहीं देना चाहिए यहाँ पे। त्रियावसी का भी यही मतलब होता है कि स्त्री के क्या हो जाना, वसीभूत हो जाना, उसके अंडर में हो जाना। ठीक, लेकिन त्रियावसी कोई क्या है ना कि त्रियावसी एक्चुअली शब्दकोश का शब्द नहीं है, इसीलिए आप इसको गलत कह लीजिए। शब्दकोश में कौन सा शब्द है? स्त्रैण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगलियों को क्या कहते हैं? अब आपके पास पांच उंगली होती है, पांच उंगली कौन कौन सी होती है आपको सारा नाम याद होना चाहिए। तो आप ऐसे भी समझ लो कि फिलहाल तो मैं इतना ही बता सकता हूँ कि मध्यमा मतलब बीच वाली उंगली और कनिष्ठा, इनके बीच में जो होती है दोस्तों वो अनामिका होती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है यहाँ पे। ओके, तो ये आप अपने से मतलब पता कीजिएगा, गूगल पे देख लीजिएगा कि आपके पास पांच उंगली होती है ना, तो पांचों उंगली में से जो मध्यमा वाला बीच वाली उंगली और कनिष्ठा, इन दोनों के बीच में कौन सी उंगली होती है दोस्तों? अनामिका होती है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मध्यमा ये होती है और कनिष्ठा ये होती है, इनके बीच में ये वाली उंगली बची। अब कैसे मैं समझाऊँ, देखिए ऐसे समझिए, आपका एक होता है थंब, थंब होता है, उसके बाद आपका होता है एक उंगली, फिर होती है बीच वाली मध्यमा उंगली, फिर होती है तीसरी उंगली, और एक होती है छोटी वाली उंगली जिसको कानी उंगली बोलते हैं। तो ये मध्यमा हो गया और ये हो गया कनिष्ठा, इसके बीच में कौन सा हो गया? अनामिका। ठीक है, चलिए इसको बोलते हैं तर्जनी और इसको अंगोष्ठ। ठीक है, और तो चलिए खैर ये तो हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो, मतलब दाम, रस्सी का एक और अर्थ होता है दाम। तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी उसको क्या कहेंगे दोस्तों? चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, इसका सही ऑप्शन है आपका दामोदर। दामोदर, दामोदर किसको कहते हैं? जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो। ठीक है, दाम मतलब रस्सी, तो उसी से बना है दामोदर। ठीक है, दामाद का अपमान मतलब पता ही है, दामाद किसे कहते हैं? बेटी के पति को दामाद कहते हैं। दाम, दाम मतलब प्राइस होता है, इसके कॉस्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा ऑप्शन राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस लेसन का, कि पीछे पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुचर। ठीक, ये ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, अनुगामी भी यहाँ पे सही है, ये वैसे देना तो नहीं चाहिए था इस एग्जाम में, अब पता नहीं कैसे दे दिया है ये क्वेश्चन। वैसे ये देखिए यूपीआरओ यारो प्री के 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब पता नहीं आप ए ऑप्शन लगाएंगे ये बी ऑप्शन लगाएंगे क्या आंसर सही होगा, लेकिन फिलहाल अनुचर और अनुगामी यहाँ पे दोनों आंसर सही है, दोनों लगाए जा सकते हैं आंसर। ठीक है, तो पीछे पीछे चलने वाले को अनुचर भी कहते हैं और अनुगामी भी कहते हैं। ठीक है, तो आप वैसे जहां से मैंने ये नोट किया था वहां पे एक बात मेंशन की हुई थी इसके बारे में कि अगर आप ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों में से कोई भी टिक कर किए थे उस साल, पता नहीं आपने एग्जाम दिया था कि नहीं, लेकिन जिन्होंने भी दिया था तो उन दोनों का आंसर सही माना गया था। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस और उनके जवाब, और यहाँ पे हिंदी का लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला लेसन है अनेक वाक्यों का, अनेक वाक्यों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, और इसी टाइप्स के आपके और भी मिलेंगे दोस्तों। आपको छह टॉपिक्स पढ़ना है, मैंने आपको पहले ही लेसन आपको सिलेबस में डिस्कस कर दिया है, अगर आपने ना देखा हो तो आरओ यारओ का जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया था उसको जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने टॉपिक, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लीजिए, और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक करते हैं तो आप अच्छा लगता है और हमें भी एक इंस्पिरेशन मिलता है कि आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं। ठीक है, आपको आरओ आरओ के एग्जाम होने से पहले बहुत सारे लेसन मिल जाया करेंगे, इसी तरीके से वीडियो करिए। जल्दी मिलते हैं नए लेसन के साथ, तब तक लिए बाय बाय।